अध्याय 11 के प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को अब शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला में हमें ज्ञात करना है ओपी का मान, दूसरा में हमें ज्ञात करना है ईए का मान, तीसरा में हमें ज्ञात करना है कोण ओपीएल का मान, चौथा में ज्ञात करना है हमें कोण एलएमएन का मान, और पांचवा में हमें ज्ञात करना है डीईए बीसी के समरूप। दूसरा जो बहुभुज है ना, उसमें इसके बराबर मतलब इसके समरूप जो बहुभुज है उसका मान निकालना है। फिर पांचवा में यहाँ पे जो बी सी डी ई ए दिया है, और दूसरा जो साइड यहाँ पे है बहुभुज दिया हुआ है एन ओ पी एल एम, ये जो है वो सही क्रम में नहीं है छठवां प्रश्न में, तो इसके क्रम को सही करना है। तो चलो अब हल करते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहले हमें इन दोनों बहुभुज को देखना है। बहुभुज का मतलब क्या होता है? बहुभुज का अर्थ होता है जिसमें चतुर्भुज से अधिक भुजाएं हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो देखो इसमें कितने भुजाएं हैं? चार भुजा से अधिक होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो दोनों में 5 4 भुजा से अधिक भुजाएं हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बहुभुज हैं। अब इन आकृति को देखो, इन दोनों आकृति में दोनों जो बहुभुज है वो सेम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये समरूप है। और समरूप कब होता है? मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है कि समरूप अगर एक की आकृति छोटी और एक की आकृति बड़ी हो जाती है तो भी वो समरूप कहलाएगा। इसका एक कंडीशन है, जो इसके कोण है ना वो समान होने चाहिए, सिर्फ कोण समान होना चाहिए। भुजा चाहे छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोण समान होना चाहिए तभी वो क्या होगा? समरूप होगा। अब आगे हल करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे। अभी मैंने क्या बताया आपको? बहुभुज समरूप है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है बहुभुज समरूप है, अतः उनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है। अब यहाँ पे दोनों समरूप दोनों मतलब जो बहुभुज है उसे देखना है, और इन दोनों में से हमें अनुपात निकालना है। तो देखो दोनों में एक ही भुजा में मतलब समान भुजा में मान किसके दोनों मान दिए हुए हैं? तो देख लो यहाँ पे इसका तो नहीं दिया, इसका एक दिया है एक नहीं दिया है, तो इसको हम नहीं लहरसा कर सकते। इसी तरह देखो यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे दिया है, मतलब ये भी नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, ऐसे भुजा लेंगे जिनमें दोनों का मान मतलब दोनों बहुभुज में समान दिया हो मान। तो देख लो यहाँ पे बहुभुज है, तो एक भुजा का मान जो जिस डायरेक्शन में ये भुजा जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी भुजा जा रहा है। तो यहाँ पे मान कितना है? 3, तो यहाँ पे 6, तो दोनों का मान दिया हुआ है। तो हमें इसी तरह से दोनों जो बहुभुज है ना उनमें समान भुजा को ही हमें लेना है। तो यहाँ पे समान भुजा क्या है? एल और एम। तो लिखो यहाँ पे एल एम भुजा के बराबर, तो इसे हम लिखते हैं अपान एल एम अपान ए बी। एल का मान कितना है? 3 है, और मतलब एल सेम का मान 3 है और ए से बी का मान 6 है। यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया? अब इसे भाग दे दो 3 का, 3 दूनी 1/2 आ गया। ठीक, एल एम अपान ए बी का मान कितना आया? 1/2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, दोनों बहुभुज समरूप है अतः उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक समानुपातिक होगी। ठीक, देख लो दोनों भुजा समान है मतलब समानुपातिक होगी। अगर दोनों बहुभुज समरूप है तो उनकी जो संगत भुजा है, संगत भुजा हम किसे कहते हैं? देखो ये है एल सेम जी डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ए से बी जा रहा है, तो मतलब सेम सेम डायरेक्शन में जाने वाले भुजा को हम संगत भुजा कहते हैं। तो दोनों संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपातिक होगी। समझ में आ गया? अब पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न में क्या ज्ञात करना है हमें? पहला प्रश्न में हमें ओ पी का मान हमें ज्ञात करना है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ओ पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ओ पी वाला जो भुजा है ना उसे हमें इस प्रश्न में देखना है। तो ओ पी वाली भुजा कहाँ पे? यहाँ पे। तो ओ पी भुजा वाले जिस डायरेक्शन में जा रहे उसी डायरेक्शन में जाते हुए दूसरे बहुभुज में देखते हैं। तो देखो यहाँ से ई से डी है, ठीक है, तो ओ से पी है, डी से ई है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो
ओ से पी अपान डी से ई बराबर, ठीक है, डी से ई इसके बराबर किसको लिखेंगे, जो दोनों भुजाएं संगत हो, फिर से लेना है, और दोनों के मान दिए हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसे संगत भुजाएं जिनमें दोनों के मान दिए हुए हैं, तो देख लो एल से एम और ए से बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल से एम और ए से बी, मानों को रख दो। तो ओ पी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये जैसा है वैसा रहेगा। डी ई का मान यहाँ पे देखो दिया हुआ है, कितना दिया, 3.4, यहाँ पे लिख लो 3.4 बराबर। एल एम का मान कितना निकले निकाले हैं अभी, तो देखो यहाँ पे 1/2, तो हमें यहाँ पे रखना है 1/2। अब हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये नीचे के मान ऊपर चला जाएगा, और हमें सिर्फ ओपी को यहीं पे रहने देना है। तो ओपी यहाँ पे रहेगा, ये आगे 3.4 और यहाँ पे 2 प्राप्त हो गया। आगे और थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया ओपी। अब यहाँ पे मुझे 3.4 से, जो 3.4 है ना उससे मुझे दशमलव हटाना है, तो दशमलव मैं कैसे हटाऊंगा, या आप डायरेक्ट भाग कर सकते हो तो डायरेक्ट भाग कर सकते हो, तो भाग कर दो। अगर भाग नहीं कर सकते तो आप दशमलव हटाने के बाद भाग कर लेना, ठीक है। तो चलो दशमलव हटाते हैं, तो 3.4 से अगर मैं दशमलव हटाता हूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 34। अब यहाँ पे कितना है दशमलव, दशमलव का मतलब एक, और पीछे में कितनी संख्या है एक, तो उसको हम 0 लिखते हैं, तो ये होगा 34/10। यहाँ पे सिर्फ एक संख्या, इसलिए ये ट्रिक उपयोग होगा। अगर यहाँ पे नीचे में और दशमलव होता 4.5, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये 10 का गुणा कर देते दोनों में, तो सीधी सी बात है कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ यही बस दिया, इसीलिए हम क्या किए 34/10 लिखते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखो 34/ कितना हो गया ये 10, और नीचे में कितना है 2 है, तो ये बन जाएगा ओ पी अपान 34/20 हो जाएगा। 20 से भाग दे दो तो ये हो गया 20 एकम 20, और शून्य अगर इसमें लाते हैं तो 20 सत्ते 140 होता है, तो ये आ गया 0.7। तो 20 सत्ते 140 मतलब 1.7 इसका मान प्राप्त हुआ। समझ में आया ये प्रश्न, चलो दूसरा देखते हैं। इसी में दूसरा में हमें निकालना है ई से ए का मान, तो ई से ए का मान हमें ज्ञात करना है। फिर से हमें चित्र देखना है, देखो ई ए वाला जो भुजा है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो ई से ए वाला भुजा है, ठीक है, ई से ए, और इसी डायरेक्शन में जाने वाला जो संगत भुजा है वो कौन सा है, पी से एल है। तो पी से एल अपान ई से ए, उसके बाद बराबर लिखेंगे एल से एम और ए से बी। समझ में आ रहा है, चलो लिखो यहाँ पे। तो ई से ए वाले भुजा के लिए होगा पी से एल होगा, और यहाँ पे दूसरा जो होगा वो ई से ए होगा, बराबर यहाँ पे एल से एम बनेगा और ए से बी बनेगा। इनके मानों को रख दो अब, तो पी से एल का मान 2 दिया हुआ है, ई से ए का मान हमें ज्ञात करना है, और इसका मान 1/2 प्राप्त किए थे। अब यहाँ पे देखो जो 2 है ना उसको हमें तिर्यक गुणा करके हमें यहाँ पे ले आना है, या फिर इसको यहाँ पे लेना है, हमें तो ये वाला जो मान है उसे ऊपर ले जाना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाले मान को हमें ऊपर लेना है, तो इसको हम ऊपर गुणा कर देते हैं, और ये 2 है उसको इस साइड गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, और ये ऊपर जाके ई ए बन गया, ठीक है। तो ई ए का मान कितना आया, ई ए का मान यहाँ पे प्राप्त हुआ 4। समझ में आया दूसरा भी, चलो आगे हल करते हैं तीसरा को। अब इसी में तीसरा में हमें ज्ञात करना है कोण, कोण ओ पी एल का मान हमें ज्ञात करना है, कोण ओ पी एल का मान हमें तीसरा में ज्ञात करना है। तो फिर से यहाँ पे चित्र देखो, ठीक है, चित्र देखो। तो चित्र में हमें ओ पी एल की जो कोण है ना वो हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे कितने अंश का कोण प्राप्त होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो दूसरे साइड देखो, दूसरे साइड में सेम सेम जो कोण है वो कितने अंश का है, 110 अंश का, और देखो कौन सी भुजा पर ये कोण बना रही है, तो डी ई ए भुजा पर यह कोण बना रही है। तो चलो अब यहाँ पे हम लेंगे जिस पे कोण बना रहा है उसे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे है पहले ओ पी एल के बराबर हम लिखेंगे कोण डी ई ए लिखेंगे, इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो ये रहेगा जैसा है वैसा, और इसके बराबर कितने अंश का कोण है, तो इसका जो मान है वो 110 अंश का है, तो इसका मान भी कितना प्राप्त हो गया 110 अंश, तो ये भी क्या है इसका
आंसर है। समझ में आया तीसरा प्रश्न? चलो इसी में चौथा हल कर लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है? चौथा प्रश्न में भी हमें मान ज्ञात करना है। तो कोण LMN, तो कोण LMN का हमें इसमें मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे फिर से हमें चित्र देखना है, और चित्र में हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है LMN। कहाँ पे है LMN? देखो LMN, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना उसका मान निकालना है। तो यहाँ पे जितने अंश का कोण बनेगा उतने अंश का कोण यहाँ पे भी बनेगा। तो अब देखो दोनों में कोण का मान नहीं दिया है, तो फिर कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि दोनों जो रेखा है ना, ये वाला, ये रेखा जो है L और M रेखा के लंबवत कौन सा रेखा है? लंबवत M से N है। तो अगर लंबवत रेखा ये है, इसका मतलब क्या है? ये भी लंबवत होगा। तो जब दोनों लंबवत, तो कोई भी रेखा लंबवत होता है तो उसमें 90 अंश का कोण बनता है। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि जो कोण LM है इसके बराबर कोण LMN, और यहाँ पे लिखो लंबवत है कोण ABC के। तो कोण ABC के ये लंबवत है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कोण LMN बराबर है कोण ABC के। अब दोनों कोण बराबर है, मतलब कोण LMN बराबर है 90 अंश। यहाँ पे फिर से लिखो ABC बराबर 90 अंश। तो ये दोनों कोण का मान कितना होगा? 90 अंश। तो यही क्या इसका आंसर है। ठीक, चौथा भी समझ में आ गया। चलो आगे हल करते हैं पांचवा प्रश्न को। इसमें तो इसका जो पांचवा प्रश्न है वो है बहुभुज। बहुभुज दिया हुआ है डी ई ए बी सी, और इसके समरूप हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। इसके समरूप दूसरा जो बहुभुज जो दिया हुआ है उसमें समरूप का मान हमें निकालना है। तो फिर से हम यहाँ पे चित्र देखते हैं। तो डी ई ए बी सी, देख लो डी ई ए बी सी कौन सा बहुभुज दिया हुआ है यहाँ पे? तो डी ई ए बी सी ये वाला दिया हुआ है। तो ऐसे डी ई ए बी सी ऐसे हमें इसमें भी चलना है। तो यहाँ पे ओ पी एल एम एन आएगा। क्या आएगा? ओ पी एल एम एन इसके समरूप है। तो लिखो यहाँ पे ओ पी एल एम एन क्या है? इसके समरूप है। पांचवा भी बन गया। अब छठवा देखते हैं। छठवा में प्रश्न में क्या कहा है कि जो गलत है ना उसे सही करना है। तो यहाँ पे जो मान है बहुभुज दिया हुआ है वो क्या है? बहुभुज जो मान है वो है बी सी डी ई ए है। ठीक है, इसके भी समरूप हमें बताना है। तो जो मान हमारा गलत है मैं उसे डायरेक्ट सही कर लेता हूँ, और आप यहाँ पे देखो चित्र पे देखना है हमें। ठीक है, चित्र में क्या देखना है? जो सही बहुभुज है पहले देख लेते हैं। तो बी सी डी कहाँ पे है? बी सी डी, उसके बाद क्या है? ई ए। तो हमें कहाँ से लेना है? यहाँ से बी सी डी ई ए, तो यहाँ पे एम एन ओ पी एल इस तरह से लेना है। तो ये क्या होगा? सही हो जाएगा। तो चलो लो, तो ये हो गया एम एन ओ पी और एल। तो इस तरह से ये सही मान हमें प्राप्त हो गया। ठीक, समझ में आया? तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक एक के छह प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दो की ओर। प्रश्न क्रमांक दो है चित्र एक के त्रिभुज और दो के समांतर चतुर्भुज समरूप है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक्स और वाई के मान एक त्रिभुज दिया हुआ है और दूसरे में समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो दोनों से हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। तो पहले हम पहले को हल कर लेते हैं, त्रिभुज वाले को। तो चलो देखो यहाँ पे देखो आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो, और दोनों त्रिभुज क्या है? एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों के दोनों समरूप है। अगर ये समरूप है तो इसके सभी भुजाएं क्या होंगी? संगत होगा। मतलब संगत का अर्थ क्या होता है? संगत का अर्थ होता है एक ही डायरेक्शन में जाने वाली भुजा होगी। तो देखो बी से सी जी डायरेक्शन जा रहा है उसी डायरेक्शन में, क्यू से आर जा रहा है, बी से ए जी डायरेक्शन जा रहा है उसी डायरेक्शन में, क्यू से पी जा रहा है, और ए से सी जी डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में, पी से आर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? कि ये जो भुजा है वो सभी के सभी संगत भुजाएं हैं। तो चलो अब हल करते हैं। तो यहाँ पे दो क्या है? त्रिभुज है। तो लिखो यहाँ पे त्रिभुज, पहले हम इसको लिख लेते हैं ए बी सी, समरूप है इसके समरूप। दूसरा त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर है। लिखो इसको भी पी क्यू आर, और इसी में हमें देखना है। तो पी क्यू आर में,
अब यहाँ पे देखो, ए से बी भुजा मैं अगर लेता हूँ तो ए बी अपान इसी डायरेक्शन में कौन से भुजा जा रहा है, ये पी और क्यू जा रहा है, तो पी क्यू इसके बराबर। फिर हम बी से सी लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी अपान क्यू आर होगा, ये हो गया क्यू आर बराबर। जब मैं ए और सी लूँगा तो पी से आर लूँगा, तो ये हो गया पी से आर। इनके मानों को रख दो तो ए से बी का मान कितना है, 6 है, तो ये रहा 6 है। और P से Q का मान कितना है, X माइनस 2 है। फिर B से C का मान कितना है, B से C का मान 8 है और Q से R का मान Y प्लस 3 है। फिर A से C का मान देखो तो A से C का मान 10 और P से R का मान देखो तो P से R 15 है, तो ये रहा 15। अब यहाँ पे तीन अलग अलग मान है, तीनों क्या है बराबर के बाद में दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे कोई भी चर राशि नहीं है, तो क्या करेंगे, एक बार इसको लेके हल करेंगे और दूसरी बार इन दोनों को लेकर हल करेंगे। तो पहला जोड़ा हमारा क्या बन रहा है, पहला जोड़ा यहाँ पे बन रहा है 6 अपान x-2 बराबर 10/15 बन रहा है पहला जोड़ा। इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम तिर्या गुणा नियम लागू करेंगे, तो ये जो मान है इसे हमें ऊपर ले जाना होता है क्योंकि नीचे में है मान, तो हम ऊपर ले जाएंगे तो कैसे क्या करेंगे, इसका तिर्या गुणा करेंगे, तो कहाँ पे जाएगा ये मान, यहाँ पे ऊपर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे हो गया x-2, फिर नीचे में 15 है। फिर से हम क्या करेंगे, तिर्या गुणा नियम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है उसे हमें हटाना है, तो इन दोनों में ये दोनों जो संख्या 10 और 15 इसको हम इस साइड ले आते हैं, ये फिर ऊपर जाएगा नीचे का मान और ऊपर का मान नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 छक्के अगर गुणा करते हैं डायरेक्ट तो ऊपर 90 हो जाएगा और 10 एकम 10, और यहाँ पे बचा क्या, x-2 बचा, कटा दो इसको तो 1 0 1 0 कट गया, यहाँ पे बचा क्या, 9 बचा और यहाँ पे है x-2, 2 इस पार ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे एक्स बस बचेगा। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, 11, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आया एक्स का मान कैसे निकला, ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ पे 11 प्राप्त हुआ। अब दूसरा को हल कर लेते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है 8 अपान y+3। अब इसके बराबर हम किसको लेंगे, 10 अपान 15 को लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने उसमें ट्रिक लगाए थे वैसे ही इसको भी हल करेंगे, तो जो y+3 है इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे बचे क्या, सिर्फ 8 और यहाँ पे 10 और ये हो गया y+3 और नीचे में क्या है, 15। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो नीचे के मान ऊपर आ गया और ऊपर का मान नीचे आ गया, बचेगा क्या, y+3 बचेगा यहाँ पे, तो 15 8 यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो गुणा करना चाहते हैं यहीं से कटा सके, यहाँ पे यहीं पे कटा देते हैं, ठीक है, तो यहीं से कटा देते हैं, देखो यहाँ पे कट रहे हैं, तो ये 5 दूनी और ये 5 3। अब ऊपर ले जाते हैं तो 8 3 24 और ये 2 एकम 2 आ गया, यहाँ पे y+3 होगा। अब यहाँ पे देखो 2 से ये फिर से कट रहा है, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी कितना आ गया, 12, तो 12 बराबर y+3 आया। इस 3 को इस साइड ले आते हैं तो 12 -3 हो जाएगा, ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस में था, इस पार से जब इस पार हम पक्षांतर करते हैं तो मान माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पे y आएगा। घटाते हैं तो घटाने पे कितना प्राप्त हो रहा है, घटाने पे यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 9 प्राप्त हो रहा है, तो y का मान कितना आया, 9 प्राप्त हुआ। तो x और y दोनों के मान यहाँ पे प्राप्त हुआ, x का मान 11 और y का मान कितना प्राप्त हुआ, 9, यही क्या है इसका आंसर है। प्रश्न समझ में आया, चलो आगे हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। अब यहाँ पे देखो आपको दो समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, तो दोनों समांतर चतुर्भुज एक जैसे, इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों समरूप है, तो यहाँ पे आप लिख लो ए बी सी डी समरूप है पी क्यू आर एस के, समझ में आ रहा है, दोनों क्या है, समरूप है। तो अब हमें एक्स प्लस, देखो यहाँ पे हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे भुजा भी देख लेते हैं एक्स वाई का मान निकालने के लिए, तो ए से डी भुजा रहेगा यहाँ पे और डी जी डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में पी से एस है, मतलब यहाँ पे ए डी हो गया और दूसरा क्या आएगा, पी से एस आएगा। इसके बराबर फिर देखो यहाँ पे डी से सी है और एस से आर है, तो लिखो डी से सी और ये हो गया एस से आर, इनके मानों को अब रख दो। तो यहाँ पे हमने
दो ही मान क्यों लिया है, यहाँ पे तीन मान क्यों नहीं लिए हैं? तो यहाँ पे जो मान है ना, यहाँ पे कोण में दिया है, मतलब अंश में दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ दो को ही भुजा में लिए हैं, ठीक है, दो ही भुजा है। और जो तीसरा हमें ज्ञात करना है, वाई का मान, वो क्या है, वाई का जो मान है वो अंश में है, तो इसका अलग हल होता है और भुजा वाला अलग हल होता है। तो अभी हम भुजा वाले को हल कर रहे हैं। तो ए से डी का मान कितना है, एक्स प्लस दो है। और अपान पी से एस का मान कितना है, यहाँ पे देखो पी से एस का मान मैंने नीचे में लिखा है 15, तो इसका मान होगा 15। फिर डी से सी का मान देखो, डी से सी का मान यहाँ पे 8 है। और एस से आर का मान यहाँ पे दिया है क्या, तो देखो यहाँ पे एस से आर का मान यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप एक चतुर्भुज में जाते हो तो चतुर्भुज के दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर ये एक्स प्लस टू है तो नीचे के भुजा भी क्या होगा, एक्स प्लस टू रहेगा। अगर ये 8 है तो ये भी 8 रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे पी से क्यू का मान 12 है, तो इसका मतलब क्या है, एस से आर का मान भी 12 होगा। समझ में आ रहा है, एक चतुर्भुज जो है उसके आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसे हम एक को लंबाई के नाम से जानते हैं और एक चौड़ाई को। तो एक चतुर्भुज में दो लंबाई होता है और दो चौड़ाई होता है, तो दोनों लंबाई समान रहेगा, जितनी जितना एक लंबाई का मान रहेगा उतना ही दूसरे लंबाई का मान रहेगा, जितना एक चौड़ाई का मान रहेगा उतना ही दूसरे चौड़ाई का मान रहता है। तो यही इसके कंडीशन है चतुर्भुज के, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, SR का मान 12 आएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस दो जो है ऊपर में है, तो हमें इसे कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही ऊपर में, तो जो नीचे के मान को बस हम तिरिया गुणा कर देंगे। तो नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर में, ये ऊपर में आ गया, और यहाँ पे एक्स प्लस दो, और यहाँ पे ये हो जाएगा 8 × 15 अपान 12, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, कट गया, 4 × 1 = 4, 2 भी कट गया। तो यहाँ पे है बचेगा एक्स प्लस दो, और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। इस दो को हम उस पार ले जाते हैं, तो पक्षांतर होके ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना प्राप्त हो गया, एक्स का मान 8 प्राप्त हो गया। समझ में आया, एक्स का मान कितना आया, 8 आया यहाँ पे। अब चलो वाई के मान निकालते हैं। तो फिर से हमें इसी चतुर्भुज को देखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कोण का मान कितना है, यहाँ पे एक कोण का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक कोण का मान कितना दिया, 70, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वाई रहेगा, ठीक है। इस कोण का मान निकालना है, मतलब इस कोण का निकालना है, देखो दोनों सेम है, समरूप है, इसका मतलब क्या है, ये कोण और ये कोण दोनों सेम रहेगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये 70 मतलब ये 70, ये वाई है तो इस ये भी वाई है, तो इन्हीं दोनों कोणों का मान हमें निकालना है। अगर मैं इसे दो हिस्सों में बांटता हूँ बीचों बीच, ठीक है, इसे मैं दो हिस्सों में इस तरह से बांट लेता हूँ, तो यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं, दो हिस्सों में बांट रहा हूं, तो अगर मैं इसे दो हिस्सों में नहीं बांटता हूं तो ये चार कोण बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, लेकिन दो हिस्सों में बांटता हूं तो दो कोण बन रहा है, 1 और 2। तो आपको पता होगा कि दो कोणों का योग 180 अंश होता है, चार कोणों का योग 360 होता है, और दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देख लो कौन कौन से कोण है, डी एस आर लिखो यहाँ पे, डी कोण डी एस आर प्लस एस आर क्यू कोण एस आर क्यू, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पे देखो डी एस आर जो कोण है उसका मान कितना दिया, 70, तो यहाँ पे लिखो 70 अंश। और कोण एस आर क्यू का मान दिया क्या, नहीं, इसे हमें ज्ञात करना है, तो इसे पहले जैसा है वैसा लिख लेते हैं, एस आर क्यू, और ये रहा 180 अंश। अब इस 70 को हम उस पर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे एस आर क्यू कोण बचेगा, और ये हो गया 180 माइनस 70 अंश, दोनों को घटा दो, तो कोण एस आर क्यू बराबर घटाएंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 110 अंश, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 110 अंश, इसका मान कितना है, 110 अंश है। अब यहाँ पे एस आर क्यू के बराबर कौन सा कोण है, डी सी बी है, तो लिखो यहाँ पे कोण डी सी बी के बराबर है कोण एस आर क्यू, तो यहाँ पे दोनों बराबर है, तो कोण डी सी बी बराबर इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 110 अंश। तो ये रहा डी सी बी का मान 110 अंश। और हमने डी सी बी यहाँ पे फिर से देखो, डी सी बी क्या है, वाई है, तो यहाँ पे लिखो इसको वाई बराबर 110 अंश, यही क्या है इसका आंसर है। समझ में आया,
डीसीबी का मान 110 रन प्राप्त हुआ।